नमस्कार मित्रों, गंगा साई मीना की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे के साथ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी। जब से कोरोना वायरस या कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को घेरा है, पिछले एक महीने से करीब दुनिया भर के तमाम मीडिया संस्थानों में न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, खबरें, हर कहीं एक टर्म लगातार चल रहा है, एक शब्द, एक पदबंध, सोशल डिस्टेंसिंग। जब ये शब्द आया तो थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने बहुत सोचा नहीं। धीरे धीरे मैंने इस पर सोचा, हमारे दोस्त अश्विनी कुमार पंकज ने इस तरफ मेरा ध्यान दिलाया, तो फिर मैंने देखा कि हाँ, इस पर बात करना जरूरी है, इसको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले जब ये संकट आया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर के गाइडलाइंस बनाई कि कैसे हम इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि संक्रमण के माध्यम से ये वायरस फैल रहा है पूरी दुनिया में। तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस में ये बात निकल कर के आई कि हमको एक दूसरे से दूरी रखनी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी गाइडलाइंस में उसके लिए पद का प्रयोग किया, सोशल डिस्टेंसिंग। अब ये एक तरह की भाषिक चूक थी जो किन वजहों से हुई, इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जरूर उसके पीछे कुछ वजहें रही होंगी, लेकिन WHO का उद्देश्य उसमें यही था कि लोगों को आपसी मेलजोल से रोके और जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो। अब WHO से जब कोई शब्द निकला तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की तमाम भाषाओं में, तमाम भौतिक सीमाओं को पार करता हुआ, तमाम देशों में, तमाम सरकारों के बीच में शब्द पहुंच गया, वैज्ञानिकों के बीच, डॉक्टर्स के बीच, और धीरे धीरे आम जनता के बीच भी। तमाम भाषाओं में जो गाइडलाइंस आई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी उस भाषा में अनुवाद, जैसे अगर भारत में कहें तो हम, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग पद का ही प्रयोग किया, लेकिन अगर हिंदी में कहें तो सामाजिक दूरी। अब इस पे बहुत सोचा नहीं गया, और लेकिन ये बात फैल चुकी थी, और उसके बाद बुद्धिजीवियों ने, कुछ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का इस ओर ध्यान दिलाया कि जो शब्द आपने प्रयोग किया है, जो पदबंध आपने प्रयोग किया है, इसमें समस्या है। तो WHO को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार की, और आगे के अपने तमाम संवादों में WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग पद का प्रयोग करना शुरू किया। इसको लेकर पूरी एक डिबेट है। 26 मार्च के वॉशिंगटन टाइम्स में इस बारे में खबर लिखी गई है। खबर का शीर्षक है, इज सोशल डिस्टेंसिंग द रॉन्ग टर्म, एक्सपर्ट प्रेफर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड द WHO एग्रीज। ये स्टोरी रेबेका ने की है, जो रेबेका गेल एक पत्रकार है, उन्होंने की, और उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल एड्रिज के हवाले से, यानी उनको कोट करते हुए लिखा कि सबसे पहले प्रमुखता से इन प्रोफेसर ने ये सवाल उठाया और कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो लोगों को दूर करती है, कमजोर करती है, और इस बीमारी से लड़ने में, संक्रमण से लड़ने में हमें सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। एक दूसरे से हम भौतिक दूरी बनाएं, दिलों में दूरी ना हो, मन में दूरी ना हो, आपसी रिश्तों में दूरी ना हो, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए एक भौतिक दूरी हो, और सामाजिक दूरी के बजाय सामाजिक एकजुटता हो। यानी उसकी कंट्ररी, उसकी एकदम विरोधी बात उन्होंने कही कि ये सामाजिक दूरी, अगर हम सामाजिक रूप से किसी को दूर कर देंगे तो वो अलग थलग महसूस करेगा और बीमारी से कोई भी समाज लड़ नहीं पाएगा, ये बात को लेकर के। और उन्होंने कहा कि इस पूरी स्टोरी में ये निष्कर्ष है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग पद का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी क्रम में 30 मार्च को अल जजीरा में सबा अजीज ने एक स्टोरी की जिसका शीर्षक है,
why physical distancing is better than social distancing. यानी फिर वही बात कि physical distancing यानी भौतिक दूरी एक बेहतर पद है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए गाइडलाइंस है उनके अनुकूल यानी कि 6 फीट या 1 मीटर 2 मीटर हमको किसी से दूरी बना के रखनी है तो उस दूरी के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग पर हमें सभा समारोह से दूर रहना है उसके लिए भी एक फिजिकल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा बेहतर पद है भारत में इसको लेकर के बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया कुछ लोगों के मैंने फेसबुक स्टेटस देखे और लेकिन एक लेख भी मुझे दिलचस्प एक लेख मिला जो लेखक हैं संदीप मील उन्होंने द प्रिंट के लिए लिखा जिसका शीर्षक है भारत में सोशल डिस्टेंसिंग शब्द से इतना प्यार क्यों है इस लेख में संदीप मील ने ये साबित करने की कोशिश की है क्योंकि भारत की जो सामाजिक संरचना है वो जातिवादी और पितृसत्तात्मक है इसलिए यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पद का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि जब WHO फिजिकल डिस्टेंसिंग पद का प्रयोग करने लगा है उसके बाद भी भारत में सोशल डिस्टेंसिंग पद चल रहा है और इसकी वजह बताते हुए संदीप मील कहते हैं कि भारत में चूंकि जो सत्ता में काबिज हैं वो जातिवादी लोग हैं और इसलिए उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग पद अच्छा लगता है और वो हजारों साल से ऐसा बर्ताव करते रहे हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि उसी तरह का बर्ताव हो बीमारी के बहाने ही सही अब सवाल उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसा क्या है कि उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग उसके लिए एक बेहतर पद कैसे है सोशल डिस्टेंसिंग वास्तव में किसी एक व्यक्ति या समूह को किन्हीं वजहों से एक दूसरे व्यक्ति या समूह से अलग करने की प्रक्रिया का नाम है सोशल डिस्टेंस सामाजिक रूप से दूरी पैदा करना अब उसमें जो अलगाव है सामान्य तौर पर उसकी वजह है जाति वर्ण या नस्ल या रंग का होना है इसमें जेंडर भी शामिल है इनमें से किसी भी वजह से अगर किसी को अलग किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक नकारात्मकता का बोध है जो सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी में इसलिए जो अभी मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है इस मसले पर कि सोशल डिस्टेंसिंग में तो आदमी अलग थलग पड़ जाएगा और कोई भी समाज बीमारी से या संक्रमण से लड़ नहीं पाएगा हमको सभी कम्युनिटीज को आपस में ज्यादा बात करने की क्योंकि अब संचार के साधन है हमारे पास में मोबाइल है और दूसरे तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से तो अभी हमको ज्यादा बॉन्डिंग दिखानी है इस बीमारी से जैसे लड़ते हुए और आपने देखा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा या जो भूखा है सड़क पर उसके बारे में कौन सोचेगा तो WHO की भी यही समझदारी है दुनिया भर के जो जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया उनका कहना है कि सोशल बॉन्डिंग की जरूरत होगी इस बीमारी से लड़ने के लिए इस संक्रमण से लड़ने के लिए क्योंकि ये संक्रमण जब बीतेगा तो बहुत सारे लोगों के रोजगार जा चुके होंगे बहुत सारे लोग भूखे होंगे उनके पास आजीविका का साधन नहीं होगा बहुत सारे परिवार टूट चुके होंगे तो हमको सोशल बॉन्डिंग की जरूरत है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो अब इससे बेहतर पद क्या हो सकता है मेरे ख्याल से अगर हिंदी में इससे बेहतर पद भौतिक दूरी हो सकता है अंग्रेजी में इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग हो सकता है क्योंकि हम वास्तव में एक दूसरे से भौतिक रूप से दूर हो रहे हैं मन से दूर नहीं हो रहे सामाजिक रूप से दूर नहीं हो रहे भौतिक रूप से फिजिकली तो उसके लिए आप चाहें तो अगर आपको सामाजिक दूरी के बजाय जो भौतिक दूरी है वो उसमें वो बात नहीं लग रही हो तो आप परस्पर दूरी पद का प्रयोग कर सकते हैं आपसी दूरी पद का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन परस्पर दूरी और आपसी दूरी में इन दोनों ही पदबंधों में ये समस्या है कि ये कहीं ना कहीं रिश्ते से भी जुड़े हैं परस्पर दूरी या आपसी दूरी जो भौतिक दूरी है उनका रिश्तों से उसका रिश्तों से कोई संबंध नहीं दिखता और वो पूरी तरह से फिजिकल है कि भाई हाँ अभी हमको संक्रमण से बचने के लिए आपस में एक डिस्टेंस एक दूरी मेंटेन करनी है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग एक बेहतर पद है
और दुनिया के बहुत सारी समझदार सरकारों ने, बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने लेखन में, अपने भाषण में या अपने पंपलेट्स में इस पद का प्रयोग शुरू कर दिया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, देखिए कोई बाध्यता नहीं है, WHO ने किसी के ऊपर कोई ऐसा आदेश भी नहीं निकाला कि अब कोई भी इस पद का प्रयोग नहीं करेगा नहीं तो उसको सजा दी जाएगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से संवेदनशील होते हुए, जैसे हम बीमारी से लड़ने में सामाजिक रूप से संवेदनशील है, एकजुट होकर के इसका सामना कर रहे हैं, चाहे हम राष्ट्र के स्तर पर एकजुट हैं या विश्व के स्तर पर एकजुट हैं, तो इससे इसका सामना करने के लिए हमें जिस तरह एक एकजुटता की आवश्यकता है, इस तरह से उस संवेदनशीलता की आवश्यकता है और उसमें भाषा भी एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कम से कम इस वीडियो को सुनने वाले लोग और जो मेरी बात से सहमत है वो अब फिजिकल डिस्टेंसिंग या भौतिक दूरी पद का प्रयोग करेंगे, ना कि सामाजिक दूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।